हेलो गाइस, मैं सर प्रभास सिंह राठौर। आई एम लेक्चरर ऑफ बीसीए डिपार्टमेंट फ्रॉम लास्ट 3 ईयर। बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट थी कि सर आप हिंदी में वीडियोस बनाएं, और मेरी पुरानी चैनल बाय मिस्टेक डिलीट हो चुकी है, और मैं न्यू चैनल से फिर से प्रभास सिंह राठौर ट्रेनर का चैनल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपने सारे वीडियो सेशन को। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी सारी सेशन जितना ज़्यादा हो सके हिंदी में हो, और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हमारे जितने भी बच्चे हैं बीरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के बीसीए सिलेबस को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। मेरी पूरी फोकस होगी कि सारे बच्चों को सारे सवालों की जवाब और एटलीस्ट इतनी नॉलेज ज़रूर मिल जाए ताकि वो अपने सब्जेक्ट के बारे में बेहतर जानकारी रखें। और मैं आप सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन का सिचुएशन है, मुझे पता है सेल्फ स्टडी पॉसिबल है, बट उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके पास मटेरियल नहीं है, आपको गाइडलाइन नहीं मिल पा रही है और क्लासेस ऑनलाइन नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह से मैं ये वीडियोस स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो सेशन, ताकि आपको एक गाइडलाइन मिले कि क्या पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है, और आप ये समझ पाएँ कि कैसे समझना है एटलीस्ट। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीरकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी बीसीए सिलेबस का फर्स्ट सेम का फर्स्ट सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से। सो देखते हैं आपका सिलेबस क्या है। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ फंडामेंटल एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर। सो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है, सबसे पहले आप ये जाने व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसी के साथ साथ अब हम कुछ डिटेल जानेंगे, क्योंकि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये 2 और 3 क्लास के बच्चे आज के डेट में बहुत ईजिली जान चुके हैं। तो हमें अब मैं कंप्यूटर का बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको कुछ एडवांस लेवल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो कंप्यूटर, अब सबसे पहले इस वर्ड के बारे में जानते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर, वेयर कंप्यूटर वर्ड कहाँ से आया। तो कंप्यूटर, अब इसको हम क्या करते हैं कि देखते हैं कंप्यूटर वर्ड को कि इसका मतलब क्या होता है। कंप्यूटर, अब टी ई आर हटा दे तो कंप्यूट, ई आर हटा कर कंप्यूट, ये जो है ये क्या है, कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, मतलब गणना करना। और कंप्यूटर की उत्पत्ति जो हुई थी वो इसलिए हुई थी ताकि ये मैथमेटिकल वर्क में हेल्पफुल हो, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन जो हो उसके पर्पज से ये कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया था, कंप्यूटर को बनाया गया था। तो अब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सबसे पहले जानते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें जो पढ़ना है एज पर बीकेएसयू सिलेबस ऑफ बीसीए फर्स्ट सेम, इंट्रोडक्शन मींस डेटा। इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है कि व्हाट इज डेटा। मैं चाहूँगा कि मैं डिटेल में पढ़ाऊँ, और इसका फंडामेंटल का जो डिटेल है कि मतलब कंप्यूटर कब से कब स्टार्ट हुआ और ये सारा चीज़, कंप्यूटर क्या है, जनरेशन्स क्या हैं इसके, ये सारा चीज़ मैं पढ़ाऊँगा वो नेक्स्ट वीडियो में। मैं पहले सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता हूँ क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। डेटा, व्हाट इज़ डेटा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेटा, इसको लोग डाटा भी बोलते हैं, डेटा भी बोलते हैं। तो डाटा क्या है, मतलब हर एक चीज़ जो कि हमारे पास रिकॉर्ड के रूप में है, लोग समझते हैं कि वो क्या है, एक प्रकार का डेटा है, बट एक्चुअल में डेटा इज नॉट दैट। डेटा क्या होता है, ए टू जेड मीन्स ए बी सी डी जो पढ़ते हैं, ए बी सी डी का ए टू जेड जो है वो कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में ए टू जेड, 0 to 9 नंबर और स्पेशल सिंबल्स जैसे एट द रेट, हैच, ये सारा कुछ जो है डेटा कहलाता है। और डेटा के यूज से बनता जो है वो इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो डेटा इज क्या है, हम कह सकते हैं डेटा इज रॉ, या हम कह सकते हैं डेटा इज रॉ मटेरियल, इट रिप्रेजेंट्स अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्रोसेस्ड फैक्ट। डेटा क्या है, रॉ मटेरियल है जो कि क्रिएट करता है किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन की। जैसे हम
अगर मैं अपने नाम की बात करूं, मैं लिखता हूं PRABHAT, तो अगर हम पी लिख दिए, इट डजेंट मैटर, दैट इज अ इंफॉर्मेशन, वी आर गेटिंग एन इंफॉर्मेशन बाई द पी. मतलब कहने का मतलब है कि क्या कोई लेटर लिख देने से, जैसे ये डी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज डी? डी का कोई मतलब है? नहीं. अब देखिए, इसमें डी है, ए है, टी है, ए है, ये क्या है? डेटा. ठीक. अब ये एक क्या हो गया? एक वर्ड हो गया. अब इससे भी क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये किस टाइप के डेटा की बात हो रही है? रॉ. रॉ का मतलब क्या हुआ? हम कह सकते हैं कि कच्चा मटेरियल, जिससे कि हम कोई चीज़ बना पाएँ, या रॉ मटेरियल जो बनता है. लेकिन क्या इससे पता चल रहा है कौन सा रॉ मटेरियल, कैसा रॉ मटेरियल? तो जिससे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिले, और ये सारा चीज़ किससे बना हो, जैसे इसमें क्या है, थ्री वर्ड है, RAW, तो मतलब R क्या है? R भी डेटा है, A क्या है? ये भी एक डेटा है, और W भी क्या है? एक डेटा है. मतलब इन तीनों के मिलने से जो एक वर्ड, एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फॉर्मेशन. ठीक है. और ये सारा, इन सब का कलेक्शन किसका कलेक्शन से बन रहा है? इन्फॉर्मेशन डेटा के कलेक्शन से. तो डेटा क्या है? रॉ मटेरियल है. इट रिप्रेजेंट्स अनऑर्गेनाइज्ड और अनप्रोसेस्ड फैक्ट. डेटा क्या करता है? क्योंकि डेटा से तो कोई इन्फॉर्मेशन मिलने नहीं है, तो डेटा क्या है? रिप्रेजेंट करता है अनऑर्गेनाइज. मतलब ABCD पूरा जेड तक लिखते हैं, तो उसका कोई मीनिंग निकलता है क्या? नहीं निकलता है. तो क्या है? ये एक अनऑर्गेनाइज है, जिसको हम क्या करते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑर्गेनाइज मतलब उसे जहाँ पे, जिस जैसे हमें डेटा लिखना है, तो हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे. क्या ए पहले लिख देने से डेटा हो जाएगा? नहीं. तो हम क्या लिखेंगे? DATA. मतलब क्या हुआ? डाटा. तो इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. ठीक है. एंड अनप्रोसेस्ड फैक्ट, और जो कि प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस करना है जिसको. ठीक है. जैसे यहाँ पे डेटा लिखा गया है, तो हमने क्या किया है? इसको प्रोसेस किया है. तो वैसा फैक्ट जो कि अनप्रोसेस्ड हो और अनऑर्गेनाइज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा. इट सिंपली एग्जिस्ट एंड हैज नो सिग्निफिकेंट बायोन्ड इट्स एग्जिस्टेंस, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, जिसके यूज से हम कोई मतलब बना सकते हैं. ठीक है. अपने मतलब का. इट कैन एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म, यूजेबल और नॉट. ये किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, चाहे वो आपके यूज का हो या ना हो. मीन्स अगर ABCD A to Z लिखा हुआ है, तो क्या यूजेबल है? वो क्या है, हमें ऑप्शंस मिले हैं कि उसमें से हम जो जो लेटर लेना है, वो लेटर ले करके हम कोई वर्ड बना सकते हैं और उसको यूजेबल बना सकते हैं. इट डज नॉट हैव मीनिंग ऑफ इट सेल्फ. डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता है. डेटा कैन बी नंबर. डेटा क्या क्या हो सकता है? नंबर. मैंने पहले बताया कि डेटा किसे बोलेंगे, 0 to 9 नंबर को भी हम क्या बोलेंगे? डेटा. अब पूछिए कि इसको डेटा कैसे बोलेंगे. जैसे 1000 है, 1000, ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है दो नंबर का, 0 और 1, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? 1000. तो 1000 क्या है? हो सकता है 1000 रुपीज़ हो, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुआ. तो किससे क्रिएट हुआ? डेटा से. किस टाइप के डेटा से? न्यूमरिकल डेटा से. लेटर्स. लेटर्स मीन्स कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z. अल्फाबेट. ठीक है. अल्फाबेट से. वर्ड्स. ठीक है. स्पेशल सिंबल्स. स्कैन फोटोज. हम स्कैन फोटोज का भी डेटा बना सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमारे कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स हैं, उनका डिटेल अगर हमें तैयार करना है, तो एज पर सेक्शन, सेक्शन वाइज, या फिर हम कह सकते हैं सेमेस्टर वाइज, जो हमारे BCA के बच्चे हैं, उनका हम फोटोज स्कैन करके उनका भी डाटा तैयार कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा है, रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और किस डेट में है. तो डैट इज कॉल्ड डाटा. उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा के हेल्प से जो मीनिंगफुल वर्ड बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन. अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है. इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैव बीन गिवेन मीनिंग बाई वे ऑफ रिलेशनल कनेक्शन. मतलब क्या है? डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन क्या है? एक प्रकार का डेटा है, जिसमें डेटा के यूज से हमें क्या बनता है? मीनिंगफुल वर्ड मिलता है, जिसमें रिलेशनल कनेक्शन होते हैं, जिसमें क्या होता है, ऐसा वर्ड बनता है जिसका कोई मीनिंग होता है, जिसका कोई मतलब होता है, जिसका कोई रिलेशन होता है किसी से. दिस मीनिंग कैन बी यूजफुल. और वो मीनिंग क्या होता है? हमारे लिए यूजफुल होता है. इंफॉर्मेशन कैन बी
कंसिडर्ड एज प्रोसेस डेटा, इंफॉर्मेशन क्या है कंसिडर्ड किया जा सकता है एक प्रोसेस डेटा के रूप में, मतलब वैसा डेटा जिसको हम प्रोसेस कर चुके हैं, प्रोसेस्ड इन द सेंस कि प्रोसेस कर चुके हैं, मतलब जिसको हमने क्रिएट किया है डेटा से, जिसको हमने चेंज कर लिया किसमें, इंफॉर्मेशन में। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मीनिंग, मीनिंग में जितने लेटर लिखे हुए हैं ये क्या है, MEANING, मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का अर्थ है, ठीक है। तो ये क्या है, एक डेटा से बना हुआ क्या, एक इंफॉर्मेशन है हम कह सकते हैं, कैन बी कंसिडर्ड एज प्रोसेस डेटा विच मेक डिसीजन मेकिंग ईजियर, जो कि हमें क्या करता है, हमें किसी भी तरीके के डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इंफॉर्मेशन हैज यूजुअली गॉट सम मीनिंग एंड पर्पस। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन हैज यूजुअली गॉट सम मीनिंग, इंफॉर्मेशन की प्यास क्या होता है, कुछ मीनिंग्स होते हैं, मतलब पर्टिकुलर मीनिंग्स होते हैं, और किसी पर्पस से होता है, उसका कुछ पर्पस होता है उस इंफॉर्मेशन का, कि किस पर्पस से हम उस इंफॉर्मेशन को तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज। नॉलेज इज द एप्रोप्रिएट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सच दैट इट्स इंटेंट इज टू बी यूजफुल। मतलब क्या है नॉलेज, अब बहुत सारे इंफॉर्मेशन को जब हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो हम किसी को देते हैं, तो क्या हो जाता है, जैसे एज ए फैकल्टी वी आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो हम क्या कर रहे हैं, आप उस चीज़ को ले रहे हैं, दैट मीन्स आई एम गिविंग यू नॉलेज अबाउट द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ओके। सो बाई नॉलेज वी मीन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर दैट हैज बीन एक्वायर्ड थॉट प्रॉपर स्टडी एंड एक्सपीरियंस। मीन्स क्या है, बाई नॉलेज वी कैन वी मीन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब अपने नॉलेज से हम ह्यूमन के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो चीज़ें बता रहे हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी मैटर के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर स्टडी के बाद, एक्सपीरियंस के बाद हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉलेज। नॉलेज इज यूजुअली बेस्ड ऑन लर्निंग, थिंकिंग एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम एरियाज। नॉलेज क्या होता है, नॉलेज इज यूजुअली बेस्ड ऑन लर्निंग, थिंकिंग एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। मीन्स जो हमने लर्न किया एज ए फैकल्टी, मैंने जो पढ़ा, जो मैंने सोचा, मेरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है इस सब्जेक्ट के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है, मुझे आपको उस चीज़ की जानकारी देनी है, दैट मीन्स जानकारी दे रहा हूँ, यानी कि आपको क्या दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ किस सब्जेक्ट की, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, मैं आपको इससे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि इस नोट से पढ़ने के बाद आपके पास रिटन मटेरियल भी होगा, आप चाहे तो इससे अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज मैं लेक्चर डायरेक्ट बना सकता था, तो उसमें आप सिर्फ लेक्चर सुन पाएंगे, ये आपका है कि आप इसको विजुअलाइज भी कर सकते हैं। नोट, नॉलेज इज नॉट इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्मेशन इज नॉट डेटा। नॉलेज क्या है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं है और इन्फॉर्मेशन डेटा नहीं है। अब ये कैसे समझ में आएगा, ये ऐसे समझ में आएगा कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को मिलाने के बाद, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद, हम उस चीज़ को जब किसी को देते हैं तो वो क्या है, नॉलेज। और बहुत सारे डेटा को कलेक्ट करने के बाद, अरेंज करने के बाद हमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन तैयार होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं है और इन्फॉर्मेशन डेटा नहीं है। हाँ, डेटा से इन्फॉर्मेशन बना है और इन्फॉर्मेशन से ही हमें नॉलेज मिलती है, ये कह सकते हैं। नॉलेज इज डेराइव्ड फ्रॉम इन्फॉर्मेशन इन द सेम वे। वही बात है कि नॉलेज कहाँ से आती है, इन्फॉर्मेशन से। इन्फॉर्मेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम डेटा, और सेम थिंग यहाँ पे वही मेंशन किया गया है कि इन्फॉर्मेशन क्या है, डेराइव्ड किया जाता है किससे, डेटा से। मतलब सबसे पहले हम अगर बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, डेटा, और डेटा की हेल्प से हम क्या तैयार करते हैं, इन्फॉर्मेशन, और वो इन्फॉर्मेशन जब मुझे हो गया तो इस इन्फॉर्मेशन को मैं एज ए नॉलेज कन्वर्ट करके आपको देता हूँ, और उसी नॉलेज को आप लेकर के आप क्या हो जाते हैं, आपके पास विजडम हो जाता है, आप बुद्धिमान हो जाते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड।
विजडम द एबिलिटी टू यूज योर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू मेक गुड डिसीजन एंड जजमेंट। विजडम क्या है, बुद्धिमता क्या है? बुद्धिमता वह है जिससे आप अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को बेटर डिसीजन लेने के लिए, बेटर जजमेंट देने के लिए आप लेते हैं, डिसीजन ले पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बुद्धिमता। ठीक है, थैंक यू।